हमारी हिप सही दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। सुना है तुम्हारे बारे में बट नहीं पिंटल नहीं था रही है। कोई जरूरत नहीं हेलो हाय एवरीवन आई एम एश प्लेयर टुडे इज अ स्पेशल वीडियो इन योर इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज रिव्यू गाइज। तो फाइनली दोस्तों हमने कल के दिन हम लोग रात में देखे थे गाइज इंडियन पुलिस फोर्स का वेब सीरीज जो कि 7 एपिसोड का बनाया गया है गाइज। मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइज। इस वेब सीरीज का एपिसोड की बात किया जाए गाइज, यह जो एपिसोड है 7 एपिसोड में बनाया गया और इस वेब सीरीज को जो डायरेक्ट किए हैं वो बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे अब डायरेक्टर हैं, वो हैं रोहित सती जी, जो कि एक तरह के देखा जाए ऐसा आप लोगों को लगेगा गाइज कि एक तरह की यह है ना फिल्म की तरह बना है गाइज वेब सीरीज, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टोरी है। ये जो स्टोरी दिखाया गया है यह एक दिल्ली पुलिस के फोर्स के ऊपर है और वहाँ पर जितना भी बम ब्लास्ट होते हैं वो उन सारे चीज़ों को है ना जानकारी लेते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि वहाँ के दिल्ली के पुलिस रहते हैं, सीनियर ऑफिसर रहते हैं, वो सारी सारी चीज़ों को जानकारी लेते हैं। आप लोगों को बता दें कि ये जो वेब सीरीज़ है इंडियन पुलिस फोर्स, ये आप लोगों को ऐसा लगेगा गाइज कि आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे आप लोग सिम्बा देखे, सिंगम देखे, तो उसी तरह का है ना गाइज, उसमें से कुछ कुछ लेके है ना गाइज इसको वेब सीरीज बनाया गया और आप लोगों को अच्छा लगेगा गाइज। यहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा गाइज कि जब भी कोई भी फिल्म बनाते हैं रोहित शेट्टी तो उसमें कॉमेडी आता है गाइज, तो इसमें भी वेब सीरीज में भी आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगा, इमोशनल। और बाकी बात तो आप लोग तो कार तो उड़ते हुए देखते ही हैं गाइज, जिस प्रकार फिल्म में रोहित शेट्टी कार को उड़ाते हैं उस प्रकार वेब सीरीज में भी कार को उड़ा रहे हैं गाइज, तो एक तरह के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगा गाइज। और इसमें जो विवेक ओबरा हैं जी, उनका भी बहुत ही अच्छा लुक इसमें देखने को मिला और शिल्पा शेट्टी भी है, तो एक तरह के देखा जाए तो वेब सीरीज बहुत ही अच्छी है और स्टोरी भी बहुत ही अच्छा है गाइज। जितना भी स्टोरी दिखाया गया वो एक दिल्ली में जो क्राइम होता है, बम ब्लास्ट होता है, उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है, वो चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर कहीं भी हो, तो गाइज इन सारी चीज़ों को है ना इस वेब सीरीज में दिखाया गया और अच्छा लगा गाइज। यह एपिसोड देखे नहीं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ये अमेजोन प्राइम वीडियो पर गाइज रिलीज किया गया है, OTT प्लेटफॉर्म पे जो कि TV पे दिखाया गया था। एक तरह की देखा जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइज, जिस प्रकार रोहित शेट्टी की कोई भी फिल्म गोलमाल हो, गोलमाल रिटर्न हो या फिर सिम्बा हो, सिंगम हो, कई सारे सुपरहिट फिल्म वो दे चुके हैं, तो गाइज उसको है ना कुछ अपना यूनिक माइंड लगा कि गाइज है ना ये ने वेब सीरीज निकाला है इंडियन पुलिस फोर्स। देखा जाए तो इसमें सारे सुपरस्टार ही हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओबरॉय और हमारे कई सुपरस्टार इस मूवीज में, तो गाइज एक तरह के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है गाइज। और आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं गाइज, अभी फर्स्ट एपिसोड देखे हम लोग और सेकेंड थर्ड यानी कि 7 एपिसोड तक दिखाया गया है, तो आप लोगों को अच्छा जरूर लगेगा गाइज। आप लोग एक तरह के देखा जाए तो हमारे इंडियन पुलिस फोर्स के ऊपर है आधारित है गाइज, तो देखना जरूरी बनता है गाइज, जिस क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है तो उससे पहले वेब सीरीज रिलीज कर दिया, तो गाइज एक तरह का तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा संदेश इस वेब सीरीज से आप लोगों को मिलेगा। और 25 जनवरी को फाइटर मूवीज रिलीज हो रहा है गाइज, तो वो आप लोगों को भी एक अच्छा यूनिक चीज़ उसमें सीख मिलेगा। तो गाइज जहाँ तक की बात किया जाए इंडियन पुलिस फोर्स, एक तरह का देखा जाए तो सारे सुपरस्टार इसमें हैं वेब सीरीज में और यूनिक स्टाइल, यूनिक के टाइप का है ना आप लोगों को स्टोरी कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चेंजेस है जिस प्रकार आप लोग फिल्म देखते हैं और वेब सीरीज, तो दोनों में धरती आसमान का फर्क रहता है गाइज। वेब सीरीज जो है ये एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है और फिल्म को है ना गाइज थिएटर में लाना पड़ता है। यहाँ तक की बात किया जाए तो वेब सीरीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं गाइज, और रात को आता है गाइज, तो एक तरह के देखा जाए तो TV पे एक तरह की बहुत ही अच्छा ऐसा लगेगा आप लोग की रोहित शेट्टी की हम फिल्म देख रहे हैं, सारे चीज़ आप लोगों को उसमें देखें, इमोशनल है, कॉमेडी है, उसके पास क्लाइमैक्स है, कार उड़ते हुए सारे चीज़ है ना गाइज इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त, थैंक यू, लव यू, जय जवाहर।